51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा. द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल व्हाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी. व्हाट? 4 में गलती है. यस, व्हाइल के बाद हमेशा जो है ना, व्हाइल जब भी लिखते हैं, व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है. तो व्हाइल एग्जीक्यूटेड नहीं होता है, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी. जेरंड फॉर्म आएगी ना, तो जेरंड आएगा उसमें. तो ये यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यू 50 तक हमने कर लिया था बेटा, 51 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये आगे चलता रहेगा, बहुत लंबी सीरीज है ये. दिस शुड बी अ बिट मोर केयरफुल व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी. तो याद रखना, व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब की हमारे पास एनजी फॉर्म आती है. और ये वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं, असल में ये नाउन है, जिसको हम लोग जेरंड कहते हैं ना भाई. ये नाउन जेरंड आ रहा होता है हमारे पास, ये वर्ब नहीं असल. जैसे सिंगिंग, सिंगिंग इज माई हॉबी, डांसिंग इज आर प्रोफेशन. तो ये हमारे पास, शॉपिंग इज हिज हॉबी बोलते हैं ना इस तरह से, तो ये नाउन्स होते हैं. थोड़ा नाउन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि ना. 52. आई हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई. यस यस, बिल्कुल थर्ड पे होगा, बिल्कुल सही. गॉट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई, चूंकि जब यहाँ पर आई हैड वॉक्ड आ गया तो पास्ट चल रहा है, तो आगे भी पास्ट आना चाहिए. पास के साथ पास्ट आता है, सबसे मेन लॉजिक यही है स्पॉटिंग एरर का. सही है. आई हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब पास्ट जरूरी नहीं है कि आप जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में आप सिंस और फॉर लगाएं, आप परफेक्ट टेंसेज में भी लगा सकते हैं. जैसे कि मैं इस घर में 10 साल तक रहा हूँ, मैं इस घर में 10 साल तक रहा हूँ, अगर मुझे ये कहना तो हम क्या कहते हैं? आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, ऐसे बोलते हैं ना भाई. तो सिंस फॉर परफेक्ट में भी लग सकता है, ठीक है. वो 50 वो 10, तो इस तरह से हो सकते हैं, चेंजिंग आ सकती है, ठीक है. तो यहाँ पर सिंस फॉर में आप परफेक्ट टेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो सही है. आई हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मैं चलता रहा लंबे दिन, मतलब पूरे दिन तक के लिए, तो कैसा मसला नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई क्या? फोर्थ. वाई? यस, बिलोंग्स टू, चूंकि बिलोंगिंग दैट्स अ स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जिसके एनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है. बिलोंगिंग कभी भी नहीं होता. दीज डेज बिलोंग्स टू माई ब्रदर. हाँ, एडजेक्टिव में आ सकता है कि टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स कहते हैं ना, कि अगर कभी किसी जगह पर आप जाते हैं, किसी रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ लिखा होता है टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स, अपने चीज़ों का ख्याल रखें, तो वो बिलोंगिंग वो चीज़ होती है. लेकिन ताल्लुक रखने के लिए नहीं कह सकते. जैसे दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी कहेंगे ना, दिस मार्कर इज बिलोंगिंग टू मी तो नहीं हो सकता. तो सिंपल, तो वो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेंगे ना, स्टेटिव वर्ब है ये. बाकी अदर फॉर्म में बन सकती है, जैसे लविंग नहीं कह सकता, आई एम लविंग पाकिस्तान बताया था ना मैंने आपको. लेकिन योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, ये हो सकता है. यहाँ लविंग एडजेक्टिव है तो पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बुक मार्केट वॉज बीन और रिपोर्टेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच देयर. हाँ जी, क्या गलती है? वॉस, बिल्कुल वॉस बीइंग होना चाहिए ना, वॉस बीन तो नहीं होता. ये पैसिव बना हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का. तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनता है, तो वॉस वर्ब को वॉस बीइंग वर्ब बीइंग में चेंज करता है. वॉस बीन तो कभी लिखा हुआ भी नहीं होता, ठीक है. तो अ बुक मार्केट वॉज बीइंग ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच देयर. क्लियर है? तो एक बाय आ गया ना, तो ये पैसिव बना हुआ है हमारे पास, ठीक है. तो पैसिव क्या बनता है पास्ट इंडेफिनिट का? कि वॉस वर्ब, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस का, कि वॉस वर्ब के साथ बीइंग लगा देते हैं, ठीक है. पता है सबको एक्टिव पैसिव? मसला तो नहीं है, एरर स्पॉट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. हाँ, क्या गलती? बहुत इजी सवाल है. कमिटेड फॉर द थेफ्ट नहीं, जो गलती तो
गलती तो सेकंड पे ही है, वॉज होगा ही नहीं, ये एक्टिव, ये पैसिव थोड़ी ना बनेंगे, तो एक्टिव का जुमला है। द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग, वो शख्स जिसने जिसने कमिट किया था या जिसने हामी भरी थी कि मैंने चोरी की है, तो वो उस पकड़ाया गया इस शाम। तो कमिटेड, तो वो शख्स जिसने कमिट किया, तो डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट है ना, तो उसमें तो पैसिव की जरूरत ही नहीं थी, वॉज कमिटेड क्यों कहेंगे, समझ में आ गए? हाँ कमिटेड द थी, बिल्कुल यही कमिट किया, बिल्कुल, तब भी एक्टिव ही रहेगा जिसने वो क्राइम कमिट किया, ठीक है, वो एक्शन ही होगा, वो कन्फेस्ड होता है असल में, सही, उसमें जब हम क्राइम का इकरार करते, कन्फेशन, दैट इज़ अ डिफरेंट। तो ये तो वही है कि वो शख्स जिसने चोरी की थी तो वो पकड़ा गया, अच्छा, तो वो शख्स ने चोरी की थी, तो ये एक्टिव वॉइस में ही बनेगा, दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो वॉज वर्क के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव वॉइस होता है ना, तो वॉज लगेगा ही, तो गलती थी यहाँ पर इसी में, सेकंड में। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? तो और देखें, जहन लगाएं, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। If you have remained calm, you could have saved the situation. Very easy, conditional है, बताओ जरा, थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, यस सर, गलत जवाब, यहाँ सही है बेटा, could have भी होता है, would have भी होता है, might have भी होता है, ये सब हो सकते हैं, यहाँ had आना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट के साथ बनता है ना हमेशा, इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है थर्ड कंडीशनल में, कि प्रेजेंट परफेक्ट में बना भाई, सही है, अगला वाला तो सही है, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, सब हो सकता है, सिर्फ वुड हैव थोड़ी ना होता, बताया था ना मैंने आपको, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, सब हो सकता है ये, ठीक है, सारे पॉसिबिलिटीज हैं, मॉडल्स लग सकते हैं ना अलग अलग, तो वहाँ गलती है, चूँकि ये हमारा थर्ड कंडीशनल के लिहाज से हेड होना चाहिए था, समझ में आया सबको? ठीक है, वेरी इजी, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स? यस, हैव यू एवर, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, तो यहाँ स्पोक के बजाय क्या होना चाहिए था? स्पोकन होना चाहिए था, स्पोकन टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आएगी, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पैसिव लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बीन वो नाकाम हो गया पैसा अरेंज करने में, तो ही हैड फेल्ड टू अरेंज द मनी, तो यहाँ पर बीन की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट जुमला बन सकता था, थर्ड में गलती है, बिल्कुल सही, समझ में आया सबको? ही हैड फेल्ड हो जाएगा ना, जैसे यू हैड, यू हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, यू हैव बीन फेल्ड तो नहीं कह सकते ना भाई, सही है, तो एक्टिव वॉइस का जुमला है, सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है, पता है क्या बात बता रहा हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट काम कर रहे हैं ना इसमें, उसने, हाँ अगर ये कि उसने फेल करवाया गया तो एक अलग चीज़ है वो, पैसिव वॉइस पता है ना क्या चीज़ होती है, जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता है ना, सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट डे ही ट्राई टू रन अवे बट सून ओवरटूक बाय सब पुलिसमैन, यस पैसिव बना हुआ है, देखो बाय आ गया, पैसिव है, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ होना चाहिए तो ओवर टेकन, ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन, यस बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन, ही ट्राई टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटेकन बाय सम पुलिसमैन, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, ये थोड़ा सा टफ है, यस होप्स टू गेट, बिल्कुल होप्स के बाद ना, होप के बाद इन्फिनिटिव आता है, जिरंड नहीं आता, होप्स टू गेट द डिस्टिंक्शन इंग्लिश, तो याद रखना कि होप के साथ, आई होप टू गो देयर, आई होप टू पास द एग्जामिनेशन, आई होप पासिंग द एग्जामिनेशन नहीं होता, ठीक है, तो होप जब भी आता है उम्मीद, उसके बाद हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है ग्रामर में, ठीक है, बेस फॉर्म आएगी, वी वन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, क्लियर है, मसला तो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल सेंटेंस हम इसलिए बनाते हैं ना कि हमें चेक करें ना कि कौन कहाँ पर गलती है, अब देखो, अब आपको ना फ़ौरन से पता लग रहा हो गलती यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रही है,
इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, देखो ना 62 पे चल रहे हैं हम लोग अभी, और पता नहीं कितने सवाल इसके होते हैं, तो वो तो करते ही जाएंगे क्योंकि यही मेन आता है टेस्ट में। कोई भी टेस्ट दोगे आप कराची में, स्पॉटिंग एरर तो आना ही आना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ, गवर्नमेंट को एग्जामिनेशन आपको देना है, पुलिस का, रेंजर्स का, आर्मी, कुछ भी देना है, इंग्लिश में ही आता है स्पॉटिंग एरर, ठीक है। क्योंकि इससे आपको ना, इससे बच्चे को चेक किया जा सकता है उसको इंग्लिश कितनी आती है, ग्रामर उसकी पूरी उसको ना निचोड़ लेते हैं बच्चे का स्पॉटिंग एरर के जरिए। डेफिनेशन तो रट भी सकता है बच्चा को, लेकिन आता कितना उसको है, उसने सेंस कितने क्लियर है, वो स्पॉटिंग एरर से पता लगता है। वरना तो डेफिनेशन कोई भी नाउन प्रोनाउन की याद कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 63 ये थोड़ा मुश्किल है। सोचे इतने जल्दी क्यों, एक मिनट होता है आपके पास यार, आप लोग तो 10 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं। नो एरर कह रहे हो, नो एरर भी लगा हुआ है, जरूरी है क्या, नो एरर आया तो वही है। नो एरर तो नहीं है बेटा, एरर है, मैं बता रहा हूँ। देखो दो वर्ड्स होते हैं ना, यह मसला तो राइज इसमें यहीं पर। देखो एक होता है राइज, जिसके सेकंड फॉर्म होती है रोज, और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। तुलु होना, उभरना, बढ़ना, चढ़ना, ठीक है, दैट इज राइज, उभरना, उसको मतलब राइज, उभरना, ठीक है। और एक वर्ड होता है रेज, ये अलग वर्ड है, इसके सेकंड फॉर्म होती है रेस्ट, रेस्ट, रेस का मतलब होता है उभारना, किसी को ऊपर उठाना। तो द रिसेंट डिस्कवरीज हैव रेस्ड होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, उसने उभारा उम्मीदें पॉसिबल एप्लीकेशंस के लिए, उभरी नहीं वो, बस समझ में आ गई। तो राइज और रेज में एक डिफरेंस है, जरा देखना, अक्सर बच्चों को ये वर्ड्स कंफ्यूज लगते हैं। राइज और राइज मतलब उभरना, और रेज मतलब उभारना, दोनों में फर्क है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मशरिक से उभरता है, मशरिक से तुलू होता है। द अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रेज द सन फ्रॉम द ईस्ट, वो उभारते हैं, वो तुलू करते हैं। तो रेज और राइज के फॉर्म में फ़र्क है ना भाई, रेज उभारना, ठीक है, बस समझ में आ गए। तो यहाँ पर रेज होगा ना, उन्होंने उभारा उम्मीदों को, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, स्पॉट था। होप्स अबाउट, नहीं देखें, होप्स के बाद टू प्रेपोजिशन आना चाहिए, होप के बाद कोई ना वो बजाय टू के उन्होंने अबाउट यूज कर लिया, प्रेपोजिशन आना चाहिए, टू की जगह अबाउट भी आ सकता है। आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, नाउन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है 64। व्हेन वी कुक गार्लिक द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स रेज इनटू द एयर, ये सब यहाँ पर, ये देखो चेंजिंग आ गई, तो फॉरन से स्पॉट किया आपने। सल्फाइड के मॉलिक्यूल उभरते हैं हवा में, राइज इनटू द एयर एंड फिल द रूम विद देयर प्लीजेंट एरोमा। गार्लिक कैसे कहते हैं, उसकी प्लीजिंग एरोमा कब से हुई, लहसुन की हम लोग अनप्लीजिंग प्लेजेंट कहते हैं उसकी। When we cook garlic, अच्छा कुक करने वक्त, हाँ उस वक्त बेहतर है, सही है उस वक्त। तो सल्फाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके अंदर, तो उसी की स्मेल आ रही होती है, तो वो राइज इनटू देयर, हवा में उभरते हैं, सही है। तो यहाँ वहाँ तो रेज होना चाहे तो राइज कर दिया, और यहाँ राइज होना चाहे तो रेज कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ तो पता लग जाएगा फ़र्क क्या दोनों में, राइज और रेज में, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्टफोन एज हैज लीड टू सब्सटेंशियल डिटोरेशन इन बोथ ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, बोले यस बिल्कुल। लीड फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, एलईडी लाइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन, लीड लेड लेड, लेड इज द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, आपको पता है, परफेक्ट, क्लियर है, ईजी है। शाय आई एम सो गुड विथ पीपल्स, फेल टू फाइंड द वर्ड्स टू टेल हिम दैट एवरीथिंग ही हैड डन सो फॉर ऑल द कॉम्प्रोमाइज़ ही हैड मेड हैड बीन फॉर लव। यहाँ मसला है, देखते हैं देखते हैं। अच्छा जो अपोस्ट्रोफी डी है उसका क्या मतलब है, वुड भी तो होता ही है, ये तो वुड भी होता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
अपोस्ट्रोफी डी तो वुड को भी कहते हैं ना, हेड भी होता है, तो कैसे पता आपको यहाँ पर ये हेड है? थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद वो वुड होता है। तो ये ही हैड डन सो फॉर ऑल द कमर, ही हैड मेड, ही हैड बीन फॉर, गलती यहाँ पर ये कह रहे हैं, चूंकि आगे पास चल रहे थे, यहाँ प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता था। और बाकी ये जो दो कॉमा है ना, जैसे आप कह रहे हैं ना यहाँ, ये तो दो कॉमा एक अननेसेसरी क्लॉज के लिए यूज़ किया गया है। श्याम सो गुड विद द पीपल, श्याम जो कि हथियारों के साथ बहुत बेहतर था, अगर आप इस दो कॉमा के बीच के वर्ड को हटा देंगे तो भी सेंटेंस सही चलेगा। समझ में आ रही ना, दो कॉमा हम यूज़ करते हैं ना क्यों, एक्सप्लेन करने के लिए किसी एक वर्ड को। तो श्याम कौन, श्याम जो सो गुड विद द पीपल, तो ये सही है, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है फेल तो हो नहीं सकता था, फेल तो कभी भी नहीं होता, अगर प्रेजेंट भी बनाते ना इसमें तो फेल्स होता, फेल क्योंकि नाम आ गया ना पीछे थर्ड पर्सन सिंगुलर, वैसे फेल्स नहीं होगा, यहाँ पर फेल्ड होना चाहिए क्योंकि आगे पास चल रहा है, पास्ट ही चल रहा है, हेड चल रहा है, सही है। तो श्याम फेल, तो याद रहे कभी भी कोई नाम आ गया ना, नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकती है डायरेक्टली, जैसे अली गो टू स्कूल है ना, आयशा रीड बुक, ये तो कभी हो ही, रीड्स होगा ना, अली गोस होगा ना भाई, तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म तो डायरेक्टली कभी नहीं आती, बिना ऐसी आईएस के कभी भी नहीं आती फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो गलती तो यहीं पे पता लग गई थी साथ साथ, फिर ये क्या फेल्ड हो जाएगा चूंकि आगे पास चल रहा है। कुछ पूछ रहा पंक्चुएशन में एरर किस तरह से है इसके अंदर, यहाँ पर जैसे आप देखें तो आपको एरर पंक्चुएशन में दिख रहे हैं कहीं पर? पंक्चुएशन के एरर अभी तक आ ही नहीं है ना, जब आएंगे तो उस वक्त हम उसको चेक करेंगे, अभी तो नहीं आए, अभी परफेक्ट पंक्चुएशन चल रही है आप, हाँ चूँकि टेंस एरर आ गया, एक पंक्चुएशन एरर हम एंड में चेक करते हैं, जब कुछ नहीं हो रहा तो पंक्चुएशन में एरर आ रहा होता है, और उसमें फिर आंसर में भी पंक्चुएशंस लगे होते हैं, उसका तरीका यही होगा ना। नेक्स्ट देखें, दैट विल ट्रूली बी इन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट, यस बी नहीं होगा ना, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बी होगा, दैट विल ट्रूली बी अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो विल बी होता है, विल बीन तो कभी नहीं होता ना, हाँ विल हैव बीन हो सकता है लेकिन विल के साथ बीन नहीं आता, पता है सबको, फर्स्ट फॉर्म आएगी बी फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, ओके। वी फीड द ऑर्स ओट्स फॉर वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे, हाँ बिल्कुल गलती तो यहीं पर है, बिल्कुल गलती तो यही पर है ना, फीड तो हो नहीं सकता था चूंकि आगे हेड आ गया, इट हैड ईटन, तो यस फेड हो जाएगा, वी फेड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे, फेड जो है वो सेकंड फॉर्म है फीड की, फीड खाना खिलाना, किसी को फेड खिलाया, पास्ट है, सही है, वही पास्ट के साथ पास्ट का क्लॉज है। नेक्स्ट देखें, कहाँ पर? एंड आई मूव्ड इन देयर ना, थ्री में आएगा, आई मैनेज टू, बिल्कुल पास्ट के साथ पास्ट, देखो सारे तो यही आ रहे हैं, असल में अब हमें पता लग गया ना कि गलती है, तो अब हम आराम से स्पॉट कर रहे हैं इस चीज को, वरना अगर यही पहली बार आप करो तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 73, अनंत वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक द लिविंग रूम विंडो, यस वही पास्ट का पास्ट है, मेरे की जगह पर क्या होना चाहिए, ब्रोक होना चाहिए, ब्रोक द लिविंग रूम विंडो, तो सारे सेम ही रूल्स रिपीट होते जा रहे हैं अब, चूंकि हमने इतना रूल पढ़ लिया ना तो अब नया रूल नहीं आ रहा, जबकि एमसीक्यू 73 पे हम पहुंच चुके हैं, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, विल जामिया हैड कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025, यस विल के साथ तो हैड कभी भी नहीं आता, क्या आता है? विल जामिया हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025, सही है, क्लियर है, ईजी, They will have been known. One में error. Error तो one में ही है, तो पता ही है क्या error है? Knowing नहीं होगा. Knowing नहीं. Know तो हमारे state verb है. We will have known the result of the CAT exam by next week. Knowing तो ही नहीं सकता ना, state verb है. Know के ng form नहीं बनती है. और by आ गया तो simple by जब आता है ना तक, तो फिर हम perfect tenses use करते हैं third form. We will have known the results of the CAT exam by next week. तो अगले हफ्ते तक हमने कैट एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में पता लग चुका होगा,
चुका होगा, दैट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है ना कुछ? फ्यूचर परफेक्ट मतलब इस वक्त तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, तो ये बाय लगता है ना एंड में, यू विल हैव डन दिस वर्क बाय 7 o'clock, तो बाय जब भी आते हो तो अक्सर फ्यूचर परफेक्ट लगा रहे होते हैं। वुड पासेस तो हो ही नहीं सकता था, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सिंगुलर फॉर्म तो आती नहीं है, ये होना चाहिए था वुड पास। आई एम श्योर हेलेना वुड पास विद फ्लाइंग कलर्स, सही है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, पता है सबको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इफ यू हैव फेथ इन गॉड एवरीथिंग टर्न आउट टू बी ऑल, यस यस, गलती तो यही है, यस एवरीथिंग। अभी हमने एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एवरीथिंग जब भी आता है ना तो ये सिंगुलर सेंस देता है, एवरीथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, SAES लगता है, तो एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी ऑल राइट इफ यू हैव फेथ इन गॉड, सही है, तो टर्न आउट नहीं होगा क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है, वैसे है तो सिंपल प्रेजेंट बना हुआ, सही बना हुआ है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट के अंदर वर्ब के अंदर मसला है, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे एवरीवन इज इन द क्लासरूम, ये तो नहीं कहते एवरीवन आर इन द क्लासरूम, अगरचे बहुत सारे लोग हैं प्लूरल का सेंस जाना चाहिए, लेकिन इंग्लिश कहती है कि ये सिंगुलर होना चाहिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, सही है। नेक्स्ट देखें, शी हैंग अप द क्लोथ्स इन द क्लोज़ेट एवरी डे, हैंग्स अप होगा ना, एवरी डे की बात करें, रिपीटेड एक्शन है, दिस विल बी हैंग्स अप होगा ना, रिपीटेड एक्शन है ना भाई, एवरी डे, रोजाना, रोजाना वो अपने कपड़ों को क्लोज़ेट में हैंग करती है, तो दैट्स गलती वन पे ही, आपको गलती क्या है ये नहीं बतानी है, आपको बता रहे गलती कहाँ है, तो सही है, चलेगा। अब NED में भी चार ऑप्शन आ रहे होंगे, तो ए में टिक कर देना, जगह नहीं होगी वहाँ पर लिखने की कि सही क्या है ना, आपसे पूछेंगे, और MD कैट में भी OMR शीट होगी, बस करेक्ट ऑप्शन लिखना पड़ेगा, जगह नहीं होगी एक्सप्लेनेशन लिखने की कि एक्सप्लेन भी करें क्यों आंसर दे रहे हैं, कोई हाथ से तुक्का भी चल सकता है, क्योंकि बताना नहीं है ना कि एक्सप्लेनेशन क्या, बस यही है, और इंग्लिश में तो अक्सर बच्चे तुक्का ही मार के आ रहे हो कि भाई यही लग रहा है, बस कर दो, ये साइंस पे कर रहे हो ना, रूल्स कौन करता है। नेक्स्ट देखिए 79, गलती तो यहीं पर है, गलती तो यहीं पर है, क्या है, he had been improving होना चाहिए ना, मतलब सेंस अगर देखेंगे तो he had been improving his communication skills in order to shine in his career, वो कर रहा है बेहतर ना, या कर रहा था, इस तरह से कुछ भी होगा, गलती है मैं, had been improved तो हो ही नहीं सकता था कभी जिंदगी में, या had improved होता, had been improving होता, या have been improving भी हो सकता था, ये सब हो सकता था, अलग अलग सेंस बन सकता है, ठीक है बेटा। 80, आर यू श्योर दैट यू विल बी ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री, इजी, यस यू विल बी की जरूरत ही नहीं थी, यू विल ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, बी नहीं आना चाहिए था ना उसमें, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल ब्रॉडकास्ट, विल बी ब्रॉडकास्टेड, ये तो दोनों वर्ब एक साथ आ गए, बिल्कुल विल बी आ सकता है, लेकिन विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव बनेगा, मैंगो विल बी ईटन बाय यू, तो थर्ड फॉर्म आता है ना, और वैसे यू विल बी ब्रॉडकास्टेड तो भी नहीं सकता था, तुम नशर करोगे, तुम नशर करोगे, नशर करना लाइक ना, मतलब नशर करना लाइक ब्रॉडकास्ट, उर्दू आप लोगों की माशाल्लाह ना थोड़ी तो मैं बहुत कमी उर्दू बोलता हूं इसलिए, तो ये विल ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री, सही है। चलो इसमें तो ये तो हो गया ना, इसमें मसला तो नहीं है, आगे बढ़े। मैं बोलता हूँ आजकल के बच्चों को ना ज़्यादा मेहनत उर्दू में ज़्यादा करनी है, तो सेकेंड ईयर उर्दू का तो कोर्स भी चेंज है आप लोगों का, तो उसमें तो और पास पेपर भी नहीं है, सारा नया है, कुछ नहीं पता कुछ भी है, न्यू जो बुक आई ना जो फ्रेश स्टूडेंट्स उनके लिए, असल मैंने ये बताया ना पिछली बार में आपको बता रहा था कि आज से 20 साल पहले चले जाए ना तो उर्दू लोगों की बहुत अच्छी होती थी, उर्दू के पेपर बहुत अच्छा देते थे, इंग्लिश बहुत बुरी होती थी, इंग्लिश का पेपर बुरा देते थे, और आज से अगर 20 साल हम आगे बढ़ेंगे आफ्टर 20 ईयर्स तो इंग्लिश लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी और उर्दू बहुत बेकार हो जाएगी,
फिर क्या होगा, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा दे पाएंगे, उर्दू का पेपर नहीं दे पाएंगे। मसला है आज के दौर में 2024 में, जिस साल आप मौजूद हैं, आपके दोनों अच्छी नहीं है, ठीक है। ये मैं सही बता रही, क्रिटिकल सिचुएशन है ना, इंग्लिश से ही चूँकि दोनों मिक्स हम करते हैं, ये बाइलिंगुअल होना बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें दोनों ही सही से नहीं आता, ना इंग्लिश सही से आती है ना उर्दू सही से आती है, दोनों पेपर में परेशान रहता है, ना इंग्लिश में नंबर आ पा रहे होते हैं उर्दू में आ पा रहे होते हैं। बाइलिंगुअल है ना, जब तक एक लैंग्वेज के हम नहीं होंगे तब तक हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा, पूरे इंग्लिश हो जाओ पूरे उर्दू हो जाओ, बीच में अटके हुए तो ये हमें हमसे लिटरेचर के पेपर नहीं होते हमसे, तभी बच्चों को केमिस्ट्री फिजिक्स में मसला नहीं, इंग्लिश उर्दू में मसला है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उर्दू आ नहीं रही, वो नस्ल का तबसरा है, शायर पर तबसरा वो याद करें रट्टा मारे बैठ के उसको बैठ के, क्योंकि मुश्किल वर्ड है ना, क्यों कि सर सैयद की बातों में फसाहत और बलागत और सलासत और रवानी पाई जाती थी, अब वो बच्चा परेशान, फसाहत क्या है, बलागत क्या है, सलासत क्या है, रवानी क्या है, रट्टा मार रहे बैठ के, फसाहत और बलागत और सलासत और रवानी ऐसे करके, तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है, हमने भी यही किया था, आसान सी बात। नेक्स्ट आते हैं, द स्कूल अथॉरिटीज आर डिसाइडेड, सही, तो लोग पहले देख चुके थे उसको, यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, साइड पे छूटा नहीं, ऐसा तो नहीं, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा था, यहाँ दिख नहीं रहा तो फॉरन से बता रहे हो ना, ओके, हैव डिसाइडेड टू क्लोज, तो हैव डिसाइडेड, ओके, क्लियर है, कितने हो गए, 81, ओके, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, इज ही हियर टू हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर दैट हैपेंड अक्रॉस द स्ट्रीट, ये क्या, यस करेक्ट, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, इज ही हियर टू हैव बीन, हाँ बिल्कुल सही, to investigate the murder, investigate, please tell me the truth, मुझे मतलब बराबर मेहरबानी मुझे सच बताइए, is he here to investigate the murder that happened across the street, क्या वो यहाँ है, चूँकि वो investigate करता है उस murder को जो हुआ across the street, तो to have been investigating की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि have been आता ना अगर तो since या for भी आता, तो आया ही नहीं वो, तो यहाँ सेंस फॉर की जरूरत ही नहीं थी, तो इन्वेस्टिगेट आ मर्डर, कि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करने के लिए, सही है, तो आपने सही पकड़ा उसको, सेंस पे पकड़ सकते हैं आप इसको, मतलब वैसे ही आप लोगों को गलती यहीं पर है, हर बच्चों को गलती यहीं दिख रही होगी, भले क्या गलती होगी वो समझ नहीं पा रहे होंगे, बट गलती यहीं पर दिख रही, हमारा सिक्स सेंस है जो हमें बता रहा होता है कि देर इज समथिंग फिशी विद दिस पार्ट, कुछ तो गलत है, वो क्या गलत है नहीं पता बट गलत हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, और यही आप इसी तरह से करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी तरह से आंसर देते हैं और नंबर आते हैं, 83, a twilight settled upon the bustling city, its streets come alive with a symphony of flickering lights, yes? Yes, came alive, okay. तो क्योंकि past है तो past के साथ past आ गया, present नहीं आएगा, clear है? Came alive. Okay, one. समझ में तो आ रही ना बात? कितना century मारेंगे क्या आज लग रहा है? Okay, you can have. You can have accused me of being lazy. Yes, you can accuse me of being lazy, but I will not finish the project right now. So you can have की ज़रूरत ही can have तो कुछ भी नहीं होता वैसे. You can accuse me of being lazy. आप मुझे इल्ज़ाम दे सकते हो कि मैं जो है वो काहिल हूँ, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट अभी ख़त्म नहीं करूँगा, ठीक है? Yes. You could have accused me of being lazy. बट आई विल नॉट, नहीं, राइट नाउ कुड हैव अगर आता ना तो वो पास्ट की बात हो जाती, लेकिन आगे से पता लग रहा है कि सेंस प्रेजेंट का है, तो जो कैन एक्यूज में होगा, गलती तो लेकिन वहीं पर है, तो कुछ भी आप कुड हैव लगा लो, कुछ बेटर होना नहीं चाहिए, बट गलती वहीं है, गलती पकड़ने के नंबर है, सही करने के नंबर नहीं है, तो ये सही करना ज़्यादा मुश्किल काम है गलती पकड़ने से, ठीक है, ओके, स्टेला यूजुअली मैनेजेस द वेस्ट मटेरियल्स एंड डिस्पोज देम मेटिकुलस, मैनेजेस आ गया तो डिस्पोजेस देम मेटिक्यूलसली, है ना भाई, क्लियर है, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आएगा, पास नहीं आएगा, अच्छा हाँ, मेटिक्यूलसली मतलब जानबूझकर, मतलब जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने शौक से, दैट इज मेटिक्यूलसली, अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता था कि हम इसको मैनेज कर देते, यूजुअली आ गया, बिल्कुल, ये हमारे पास एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूजुअली आमतौर पर रिपीटेड एक्शन को शो करता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंस जाता है, दैट्स अ बेहतर यही होगा कि हम इसको बजाय इसको हम मैनेज करने के इसको हम डिस्पोजेस कर दें, यूजुअली समटाइम्स ऑलवेज आ जाता है तो प्रेजेंट का ही सेंस आता है बेटा, सही है,
बस आई थिंक काफ़ी असर भी आ गया, सेंचुरी नहीं मारते, छोड़ देते।